हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम डाइल्यूशन टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन जो यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। अ 50 ml सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 1 इज मिक्स्ड विद अ 50 ml ऑफ pH इक्वल टू 2। द pH ऑफ द मिक्सचर विल बी नियरली, इसके ऑप्शन दिए हैं चार हमें, 0.76, 1.26, 1.76, 2.26। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इसमें जो हमारी इक्वेशन होगी वो डाइल्यूशन इक्वेशन यूज होगी, जो हमारी है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। M1 है हमारा जो है मोलरिटी है सॉल्यूशन 1 की, M2 हमारा सॉल्यूशन 2 की है, M3 जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसकी मोलरिटी है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन हमें गिवन है पहले हम उसे देख लेते हैं। हमें गिवन है pH इज इक्वल टू 1, pH इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन था, ये हमने फाइंड आउट किया है। इसको हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है। और जो हमारा वॉल्यूम है V1 फर्स्ट सॉल्यूशन का 50 है, V2 50 है, और जो हमारा V3 होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, जब हम दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, V1 प्लस V2 दैट इज 50 प्लस 50, 100 ml। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हमारा M1 जो है वो 10^-1 कैसा है। दोस्तों लॉग को मैथमेटिकली लिखते हैं, वो लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू बेस H प्लस, यानी कि H क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 10^-1। इस इक्वेशन को हम अगर हम यहाँ पे pH की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो हमारा है लॉग बेस, हम यहाँ पे दोनों सब लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10^-1। ये माइनस हो जाएगा तो 10^-1। ऐसे ही हमारा जो pH है यानी कि M2 है वो हो जाएगा, जब हम यहाँ 2 रखेंगे, 10^-2। तो हम ये सारी जो वैल्यू है इसे हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, 10^-1 हमारा जो M1 है 10^-1 हो गया, हमारा V1 हमारा दोस्तों 50 ml था, हमने यहाँ पे 50 ml लग दिया, फिर हमने M2 10^-2, हमारा V2 है 50, M3, और जो हमारा वॉल्यूम था V3 वो हमारा हो गया 100। तो इसे सॉल्व करके हमारा वैल्यू है, M3 की वैल्यू है 0.055। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले में जो हमने ग्रीन वाले ब्रैकेट में रखा है उस वाले फॉर्मूले में H प्लस के कंसंट्रेशन रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा pH माइनस लॉग बेस 10 0.055। तो जो हमारा जो है लॉग माइनस 0.0 बेस 10 0.5 वैल्यू की होती है हमारी 1.259 नेगेटिव की। तो दोस्तों ये अगर आपको पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया है तभी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो आपको इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा। तो जो हमारा लॉग बेस 10 0.055 की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1.25। ये दोस्तों, तो इस वैल्यू को हम रख देंगे, इसको हम बोल सकते हैं pH। तो pH हमारा क्या हो गया, 1.259 मिलीग्राम पर लीटर, ये हमारा करेक्टेड आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।